मध्य प्रदेश सरकार ने विधान परिषद के गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष को ये जहां फिजूल खर्ची नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है विरोध करना विपक्ष की आदत बन गया है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधान परिषद बनाने का उपक्रम नहीं, यह सरकार बचाने का उपक्रम है। विधान परिषद बनाने के पीछे मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के अलावा कोई हित मुझे दिखाई नहीं देता। अकारण कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश पर 5 साल में 100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, इसके अलावा और कोई हेतु इसमें दिखाई नहीं देता। जब घोषणा पत्र की एक भी वादे का अमल नहीं हुआ, आज तक एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है विधान परिषद बनाने की? एक तरफ कहते हैं कि बजट नहीं है, सरकार के पास पैसे का अभाव है, दूसरी तरफ अकारण को 5 साल में करोड़ों रुपया, 100 करोड़ से ऊपर का व्यय, क्या आवश्यकता है? जहां विधान परिषद बन गई वहां क्या लाभ हुआ, और अभी तक मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं थी तो क्या नुकसान हुआ? बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी विधान परिषद गठन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता पहुंचाने की, युवाओं को रोजगार का वादा पूरा करने की, लेकिन कांग्रेस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द से जल्द विधान परिषद के गठन की तैयारी में लगे हैं। उनका कहना है कि पिछले 20 साल से इसकी चर्चा चल रही है, अब इस पर काम हो रहा है। हमने कहा ये तो बहुत पहले से जल्दी 20 साल से ये इसकी सोच है, कोई नई चीज पर इसमें लोग जुड़े, लोग जनप्रतिनिधि बने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।